जबरदस्त बदलाव की ओर इस बार गुजरात जा रहा है। एक बहुत उम्मीद, लोगों को उम्मीद है कि महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, उनकी ज़िंदगी में सुधार होगा, बच्चों को रोज़गार मिलेगा, अस्पताल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, नया इंजन है, नई उम्मीद लेके आई है पूरे देश के अंदर। नई उम्मीद, नई राजनीति, नए चेहरे। तो हम कमरे में बैठ के ये तय नहीं करते कि सीएम हमारा कौन होगा। पंजाब के अंदर भी हमने यही किया था, भगवंत मान साहब को सीएम कैंडिडेट केजरीवाल ने नहीं चुना था, भगवंत मान साहब को सीएम कैंडिडेट पंजाब की जनता ने चुना था। हमने पंजाब की जनता से पूछा था कि आपका सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का कौन होना चाहिए, पंजाब की जनता ने कहा था। ऐसे ही अब जब लग रहा है कि अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनने वाली है, लगभग निश्चित हो चुका है। ये जितने आप लोग सर्वे देख रहे हो ना टीवी में, जब नई पार्टी आती है तो नई पार्टी का कोई भी सर्वे ठीक से अनुमान नहीं कर पाता। जब हम पहली बार दिल्ली में पहली सरकार बनाई थी, हमारी 28 सीट आई थी, तो ये कोई भी सर्वे हमें एक भी सीट नहीं दे रहा था और हमारी 28 सीट आई और हम जीत गए। गुजरात के अंदर ये सारे सर्वे फेल होंगे, आज आप लिख लीजिए, सारे सर्वे फेल होंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अगर तय है तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जनता से पूछा, गुजरात के लोगों से पूछा, अभी शायद 5-7 दिन पहले हम लोगों ने नंबर का ऐलान किया, एक फ़ोन नंबर दिया और एक ईमेल आईडी दिया। हमने कहा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, आप हमें वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, चार तरीके से आप हमें मैसेज दे सकते हैं। और जनता ने खूब जम के वोटिंग की है, हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने यशुदान गढ़वी जी का नाम मैं